श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न है भक्त किस चीज को विपत्ति मानता है, तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं जहरा जागृति के अभाव असुविधा त्रिताप के विपत्ति मन करे तारा धर्म अर्थ कामी बा मोक्ष काम भैया पड़े। जो लोग ये संसार का दुख को दुख मानते हैं, असुविधा को असुविधा मानते हैं, और जो तीन तरह का जो विपत्ति है, एक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का दुख है, आध्यात्मिक दुख इसको कहते हैं जो मन से जो दुख है, संसार में तो सारी बीमारी का दवा, लेकिन मानसिक बीमारी का कोई दवा नहीं। लोग कितने तरह तरह का मानसिक कष्ट है, बहुत तरह का लोग का मानसिक कष्ट है, आदि दैविक देवताओं से जो दुख कष्ट आता है, आंधी तूफान है और क्या तरह तरह का जो दुख कष्ट आती है, जैसे करुणा आ गया था, हाँ भूचाल आ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, यदि ये देवता को द्वारा है, और आदि भौतिक मतलब एक जीव से दूसरे जीव को जो दुख कष्ट है, कभी जो विपत्ति जो इसको अपना दुख मन कर, अगर ये चीज को कोई अगर सोचता है ये विपत्ति है, फिर वो लोग क्या हो जाता है, बोले धर्म अर्थ कामी बा मोक्ष कामी भैया पड़े। फिर वो लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म करो, पैसा कमाओ, उसको तरह विषय को भोग करो, और क्या करो, संसार से मुक्ति हो जाओ। फिर वो लोग ये मोक्ष कामी हो जाते हैं, लेकिन भोगी व त्यागी बुभुक्ष व मुभुक उभय ही स्वस्व अपस्वार्थ पूर्ण अभाव ही विपद मन करे। इसका मतलब है कुछ होते हैं भोगी है, कुछ होते हैं त्यागी, कभी संसार का जो विषय को भोग करना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति होता है संसार का भोग को त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भोगी किसको कहते हैं, जो भोग करना चाहते हैं, त्यागी किसको कहते हैं, जो मुक्ति चाहता है। कभी ये लोग क्या क्या करते हैं, अपना जो अपस्वार्थ को है, कहते अपना स्वार्थ को ही पूर्ण करने के लिए अभाव को विपद मानते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं, और भगवत भक्त कृष्ण सेवाए अर्थात कृष्ण इंद्रिय तर्पणे जहाते जहाते बाधा उपस्थित है ताहा के ही विपद ज्ञान करे। लेकिन भक्त लोग वास्तव रूप में विपद किसको मानते हैं, रामचरितमानस में वहां पर एक प्यार आया है, भक्त लोग विपद उसको मानते हैं जब वो भगवान को भूल जाते हैं, इसको ही विपत्ति मानते हैं, हैं? और संपत्ति किसको मानते हैं, जब भगवत स्मरण हो, इसको ही जीवन का संपत्ति, और भगवान को भूल जाना है इसको विपत्ति मानते हैं। ये भक्तों का ये विचार है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भगवत भक्त लोग कृष्ण सेवा अर्थात कृष्ण इंद्रिय तर्पण जात जात बाधा है, अगर कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सुख सुविधा के लिए अगर कोई बाधा होता है, कहते भक्त लोग उसको ही अपना विपत्ति मानते हैं, संसार का जो विपत्ति है उसको ये विपत्ति नहीं मानते हैं। इसलिए माता कुंती की हैं, माता कुंती जब भगवान बोले वर मांगो, क्या मांगती है, बोले प्रभु हमें विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति में तुम्हारे स्मरण होता है, संपत्ति में तो तेरे को भूल जाते हैं। इसलिए भक्त लोग विपत्ति इसको मानते हैं जब भगवान को भूल जाए, संपत्ति उसे मानते हैं जब हमारे जीवन में भगवान की भजन हो। कर धर्म काम चेष्टा मुख्य चेष्टा है कृष्ण इंद्रिय तर्पण बाधा है बलिया तारा सही सकल विपद होते निष्कृत चार। लेकिन कहते जो धर्म है अर्थ और काम मोक्ष, इसमें क्या है, कहते इसमें कृष्ण सेवा नहीं है, कैसे धर्म करेंगे, धर्म करके फिर उसके बाद पैसा कमाएंगे, फिर उसके बाद में पैसा मिलेगा तो फिर हमें
धर्म अर्थ फिर उसको हम भोग करेंगे और नहीं तो कुछ कुछ लोग चाहते हैं संसार में बहुत दुख कष्ट है, चलो ये दुख कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाए, हैं? फिर मुक्ति मिल जाए तो क्या करे, ब्रह्म ज्योति में ही अपने आप को लीन कर दे, वो यही चाहते हैं। लेकिन हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तार मध्य मोक्ष वाचा कैतव प्रधान जाते कृष्ण भक्ति है तरधान, जो मुक्ति चाहते हैं तो, सबसे बड़ा कपट है। बोले सबसे बड़ा कपट क्यों, तुम मुक्ति होना क्यों चाहते हो, बोले संसार में दुख कष्ट है, न रहेगा बांस न बजी बांसुरी, इसलिए जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाओ, लीन हो जाओ दुख कष्ट खत्म हो गया। लेकिन भक्त लोग क्या चाहते, बोले भैया भले ही तुम्हारे सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख सेवा सुख दुख परम संपत नाशे अभिगत, भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा में अगर दुख कष्ट होता है भक्त लोग दुख को दुख नहीं मानते हैं, उसको सुख मानते हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं असली सेवा पादरताम मदर्शन मर्म उत कर जथा तथा विदधा लंपट मत प्राणनाथ साहेब ना पर। यहाँ पर कहते हैं भले ही हमको प्यार के नीचे हमें रोंद दे, भले ही हमारे निष्पेषित कर जितने दुख कष्ट देने दुख कष्ट दे, लेकिन हैं कहते लेकिन कृष्ण कौन है, कहते ये हमारी हृदय का प्राण के ये प्यारे हैं, जीवन के तारे भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान की सेवा में जो दुख कष्ट को दुख कष्ट भक्त लोग नहीं मानते बल्कि उसको परम आनंद मानते, परम आनंद मानते हैं। इसलिए कहते बाधा है बलिया तारा से सकल विपद है तो निष्कृत जान, लेकिन धर्म अर्थ काम में इसमें भगवत भक्ति में बाधा है इसलिए भक्त लोग इससे निकलना चाहते हैं। भगवत भगवत भक्त भोगवांछा वो मोक्षवांछा एक उभय व्यापार रहते परित्राण आकांक्षा करे, लेकिन जो भगवान का जो भक्त होते हैं भोग और मोक्ष कहते ये जो दोनों दो दो दोनों चीज से वो कैसे हम निकल जाए ये चीज इसको प्रचेष्टा करते हैं। इसलिए भागवत में जो दूसरा श्लोक में बताया धर्म प्रजीत कैतव अत्र है, कहते ये धर्म प्रजीत कैतव अत्र, कहते भागवत से संपूर्ण रूप में कपटता धर्म को यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए असली जो धर्म का विषय कहाँ पर, बोले श्रीमद भागवत में। इसलिए पहला धर्म शब्द है धर्म, अगर कहीं वास्तव धर्म है कहाँ पर, बोले श्रीमद भागवत धर्म प्रोजीत कैतव अत्र परम निर्मत सरनाम सताम। मतलब भागवत किसके लिए है, बोले जिनके हृदय में कोई निर्मत सरता नहीं कोई मत सरता नहीं जिसके हृदय में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त कहा के विपद मन मन करे, भक्त उसी चीज को विपत्ति मन करते हैं अगर जिस काम करने से भगवान का स्मरण नहीं होता है उसको ही विपत्ति मानते हैं। और संपत्ति किसको मानते हैं, भले उसमें जितने दुख कष्ट क्यों नहीं हो लेकिन अगर उसमें भगवत स्मरण होता है उसको ही संपत्ति मानते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग वर्णना करते हैं जिस समय में राधा रानी जब जाबड से नंद भवन में रसोई बनाने के लिए आती है, कहते राधा रानी का शरीर कितने कोमल है, तो इतने कोमल है बोले चंद्रमा का किरण भी राधा रानी को शरीर को कष्ट देता है, इतने कोमलांगी राधा रानी है, इतने कोमलांगी। लेकिन वहां पर कितने भाटी जली हुई है, हैं? सौ भाटी जली हुई और सबके सब सब है एक भाटी को सामने बैठकर रसोई बनाओ पर पता चलेगा कितने गर्मी है, सौ भाटी जल रहा हो राधा रानी इसको बीच में बैठी है और सब सखी मंजरी को आदर से दे रही है कृष्ण आने का समय हो गया अभी ये सूप तो बना ही नहीं, अभी ये भाजी नहीं बना, अभी तक ये सब्जी नहीं बनी, अभी तक ये चाटनी नहीं बनी, अभी तक ये गड्ढे का सब्जी नहीं बनी, ललिता ये सब्जी बनाओ, विशाखा ये खीर बनाओ, हाँ चंपकलता तुम ये चीज बनाओ। राधा रानी को ऐसे लगता है जैसे हम एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए, क्यों कारण किया कृष्णा सेवा, कृष्णा सेवा। इसलिए कृष्णा सेवा में इसलिए भक्त लोगों का तो ऐसे ऐसे भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोले वर्मा को क्या कहते, बोले प्रभु
मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे? बोले ये दो कान में कृष्ण कथा सुन करके मेरे को तृप्त नहीं हो रहा है। अगर 10,000 कान हो जाएगा ना पास भर भर करके कृष्ण कथा को हम सुनेंगे। 10,000 कान किया सचमुच में आगे। बोले नहीं कान तो दो ही हो लेकिन दोनों कान में कृष्ण कथा सुनने का इतने शक्ति दे दो, 10,000 कान में कृष्ण कथा सुनने का जो शक्ति है, हैं? हमारे 10,000 हाथ दे दो। आप देखे ना जब कृष्ण सेवा में अगर सचमुच से हृदय से कोई अगर कृष्ण सेवा करे ना, आप देखे कभी को तृप्त नहीं होता। वो सोचता है भगवान अगर मेरे को 100 शरीर दे देते ना, हम ये 100 शरीर से ठाकुर का सारी सेवा में ही करता, रोसे भी मैं मनाता, पूजा भी मैं करता, मंदिर मार्जन में ही करता, फूल की माला भी मैं बनाता, ठाकुर जी के लिए मार्केटिंग करने के लिए भी मैं जाता, ठाकुर जी को कथा भी मैं करता, ठाकुर का कीर्तन भी सब कुछ मैं करता। क्योंकि देखो इसी जगत में देख लो, अगर आप किसको सेवा करो है, पति की जैसी सेवा करते हैं, अगर पति थोड़ा कोई बढ़िया रोसी बनाए, अगर पति थोड़ा अगर खुश हो जाता ना, क्या तुमने सब्जी बनाया है, रोटी नहीं जैसे चांद की टुकड़ा है, है? सब्जी नहीं मानो तुमने अकमर हाथ में अमृत है, कितना लोग खुश होते हैं, अरे मेरा बनाना सार्थक। जब साधारण व्यक्ति को आप देखना खुशी करके इतना होता है, जब तो भगवान के लिए करोगे, जब भगवान प्रसन्न हो जाते कितना आनंद नहीं होगा, कितने आनंद नहीं होगा। इसलिए राधा रानी देखो उनका नाम ही राधा, राधा मतलब क्या, जो हर समय कृष्ण की आराधना करती है, जिनकी सारे चेष्टा केवल कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए कृष्णमयी मतलब अंदर और बाहर जिसका कृष्ण ही कृष्ण छोड़कर और किचो जानते नहीं। सारे आप चेष्टा देखो राधा रानी 24 घंटा में 24 घंटा करती है क्या, केवल कृष्ण सेवा, कृष्ण के लिए कुंज बनाना, कृष्ण के लिए रसोई बनाना, कृष्ण के लिए पुष्प माला बनाना, कृष्ण के लिए दिन रात कृष्ण सेवा को छोड़कर और कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं करती। इसलिए भक्त लोग भगवान की सेवा में दुख कष्ट होने पर भी वो दुख कष्ट को दुख कष्ट नहीं मानते, बल्कि नहीं इसमें कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण सेवा के लिए हम करें। कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाए तो बस हमारे सब कुछ करना सार्थकता हो जाएगा। इसलिए जो भक्त लोग है विपत्ति किसको मानते हैं, जब हम भगवान को भूल जाए यही विपत्ति है। संपत्ति उसको मानते हैं जब भगवान की स्मरण है, भगवान की स्मरण हो, भले उसमें कितना विपत्ति क्यों नहीं हो, वो विपत्ति को विपत्ति नहीं मानते हैं। किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, सेवा की निजे करता है वे, इसका मतलब है सेवा को क्या खुद को करनी चाहिए? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, हमारे प्रत्येक ही अध्यक्ष जो भगवान सेवक हित हैवे हैं, कहते हम लोगों को हर व्यक्ति को जो अध्यक्ष मतलब हमारे जड़ इंद्रिय से जो अतीत है, कहते भगवान का सेवा है हम लोगों को भगवान की, ऐसे भगवान की सेवा करना पड़ेगा। पुरोहित व प्रतिनिधि द्वारा सेवा कार्य है ना, हम कभी कभी बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को पैसा देकर रख ले, हाँ वो व्यक्ति सेवा करेगा है, पुरोहित और जो प्रतिनिधि है, किसी व्यक्ति को हमारे प्रतिनिधि रूप में रख लो वो सेवा करेगा है। प्रभुपाद कहते हैं उनसे तरह सेवा नहीं होता, इसलिए प्रभुपाद इनका एक नाम देते वृत्तक सेवक, खरीदी किया हुआ सेवक। सेवा क्यों कर रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं मिलेगा सेवा क्यों करेंगे, पता प्रीति कहाँ गई, पर सेवा रहा कहाँ तुम्हारी, सेवा ही नहीं, तुम तो पैसा लेकर सेवा कर रहे हो। इसलिए अम्बरीश महाराज सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा होते हुए भी ठाकुर का सेवा स्वयं करते थे। इसलिए बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में आता है जब नारद जी एक को पास में दूसरे, दूसरे को पास में तीसरे जा रहे हैं, जब उनने प्रयाग में गए क्या किया, देखा है कि ब्राह्मण आए आकर के एक सुंदर जगह के लिए पाप किया, सिंहासन में शालग्राम को रखा, ऊपर में चंद्रताप लगाया, अपना हाथों से रोसी बनाया और भगवान को भोग लगाया, लगा करके वहां जितने लोग आए थे सबको प्रसाद अपना हाथ में खिलाया, लास्ट में पहले ब्राह्मणों को वैष्णव को, उसके बाद में जितने लोग
उसके बाद में कहते पशु पक्षियों को भी उन्होंने खिलाया, बाद में जाकर उन्होंने प्रसाद पाए और जो कुछ किया ठाकुर को सामने गए, बोले ठाकुर जी आज मैंने जो कुछ किया है सब कुछ मैं आपका अर्पण करता हूँ। नारद तो आकर के बोले वाह ऐसे भक्त जीवन में हम कभी देखा नहीं, जो कुछ किया भगवान को अर्पण कर दिया अपना हाथों से सेवा। उन्होंने बोले मैं कितना सेवा करता हूँ, कहाँ मेरे अंदर में सेवा है। हाँ सेवा देखना है ना, आप दक्षिण देश में जाओ, वहां पर देखिए राजा स्वयं अपना हाथों से, राजा रानी बच्चे अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वहां पर जाकर देखोगे सब जगह में मंदिर, सब जगह में धर्मशाला, वहां पर तो कोई पेड़ लगाते नहीं, कहते वहां पर जो खेती कोई करते नहीं, क्योंकि खेती नहीं करते हैं, कहते जो राजा है वो स्वयं भक्ति करता है और प्रजाओं को भक्ति कराता है। हर जगह जगह पर देखोगे और नक्षत्र लोग भ्रमण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, हर जगह में हरि कथा हो रही है, हरि कीर्तन हो रही है वहां पर, और बिना लगाए पृथ्वी अपनी आप इतना सस्य देती है, खा खा करके पूर्ण नहीं कर पाते। क्यों पृथ्वी इतने प्रसन्न है, क्यों कारण है उसी देश में भगवान की भजन पूजा हो रही है। सब कुछ ये पृथ्वी तभी संतुष्ट होती है, तभी देती है जब देखते हैं मेरे प्रभु को सबके सब भजन करते हैं, सबके सब भगवान की भजन करते। पृथ्वी तभी ये प्रसन्न होती है जब देखता है कोई भक्त हाँ भजन करता है, बोले वसुंधरा वसतीश्च धन्या, वो पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। इसलिए कभी जो भगवान को जो सेवा पूजा है, कहते कहते भृत्यक सेवक को दे करके पुरोहित व प्रतिनिधि को द्वारा सेवा कार्य नहीं होता है, वो तो करेगा अपना स्वार्थ के लिए। हाँ पैसा मिल रहा है इसलिए सेवा कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं हो तो करेगा। इसलिए भक्ति किसको कहते हैं, बोले सवै पुंसा पर धर्म जत भक्ति रे आहई तु की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रति। कहते आत्मा को पूर्ण शांति कब मिलेगा, कब शांति मिलेगा, बोले तभी मिलेगा भक्ति अगर आहई तु की और अप्रतिहता होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, कामना वासना हो गया तो भगवान हमारे प्रभु जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास है, जो दास है हमारा कर्तव्य उनको सेवा करना है। किसी भावना को लेकर हम सेवा कर रहे मतलब भैया वो तो बीच में बाधा आ गई, तुम स्वार्थ को लेकर सेवा कर रहे हो, अपना स्वार्थ को लेकर तुम सेवा कर रहे हो, फिर वहां भक्ति नहीं होगी है, भक्ति नहीं होगी। जैसे आहे हेतु की उसमें हेतु नहीं होनी चाहिए, आप प्रतिहता भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए 24 घंटा में 24 घंटा हम जो कुछ करेंगे भगवान की सेवा के लिए ही हम करेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कौन कौन संप्रदाय देखते पा जाए, एक जन स्पोकेश मान हरिया उपासना कर लेन आर बाग बाकी सकले दड़ाइया रही लेन। इसलिए कहते किसी किसी संप्रदाय में ऐसे देखने को मिलता है, स्पोकेश मान मतलब हाँ उपासना, मतलब एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं और सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, ए रूप पहले सेवा ही वे ना, कहते केवल एक व्यक्ति सेवा कर रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं सबके सब, अरे नहीं सेवा हम सबको मिलकर के सेवा करनी चाहिए, सबको मिलकर के सेवा करनी चाहिए। हमारी जितने हमारे अंदर में समर्थ है वो समर्थ के अनुरूप हम सबके सब देखो मंजरी सख्या करती क्या दिन रात, कहते उनको गोलोक वृंदावन में अगर किसी मंजरी सखियों को एक सेवा अगर मिल जाए ना सोचते हैं हमारे जीवन में फैल जाएगा। अगर किसको एक सेवा केवल पुष्प चयन करने का सेवा मिल गया तो अहो भाग्य है, राधा कृष्ण की गले में फूलों की माला के लिए हम पुष्प चयन, किसको अगर केवल एक माला बनाने की सेवा मिल जाए कहते अहो भाग्य ठाकुर की माला बना रहे, अगर किसको ठाकुर को रसोई बनाने का सेवा मिल जाए अहो भाग्य ठाकुर जी हम रसोई करते, एक कोई सेवा अगर वहां मिल जाए अपने आप को जीवन धन्य करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने राधा रानी की जो निकुंज मंदिर को मैंने इस जगत में प्रकाशित किया है, यदि गौड़ीय मठ नहीं ये राधा रानी के निकुंज मंदिर, प्रभुपाद कहते हैं ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, हैं कहते साधन करीबे जहा सिद्धि ते पाए बेता, साधन अवस्था में जो जो करेंगे सिद्धि में हमें वही वस्तु प्राप्त हो जाए।
अगर यहाँ पर हम अच्छे तरह से साधन करें, बढ़िया से अगर यहाँ पर साधन करें, नहीं कहते ना जैसे ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग बढ़िया लोगे तो नौकरी भी बढ़िया मिल जाएगा। अगर यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से यहाँ का नियम कानून का पालन करेगा, बस उसको गोलोक वृंदावन में राधा रानी के चरण में बढ़िया सेवा उसको मिल जाएगा, है राधा रानी की सेवा ऐसे मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते ये राधा रानी की गौड़ीय मठ नहीं, राधा रानी की निकुंज मंदिर यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग बढ़िया से लो, बढ़िया से ट्रेनिंग लो, जैसे इसको बाद में जन्म लेना ही नहीं पड़े और संसार में आना ही नहीं पड़े, फिर तो जा करके गोलोक वृंदावन में राधा रानी की वहां सेवा में हम जा करके फिर लग जाएंगे। लेकिन अगर यही फेल हो गया फिर नौकरी फोकर यहाँ था वहां पर नौकरी फोकर मेरे वहां मिलने वाले नहीं, इसलिए यहाँ पर हमको अच्छे तरह से साधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आचार्य अनुगत्य हैया निज के सेवाएं निजुक्त करता है वे, कहते सेवा में अपने आप को कैसे निजुक्त करनी चाहिए, बोले आचार्य अनुगत्य हो करके हाँ सेवा में निजुक्त करना पड़ेगा। साधु संग, नाम कीर्तन, हरि कथा श्रवण, शिव मूर्ति पूजा प्रभु जी द्वारा मंगल है वे, किंतु एगुली अभिनय है ले मंगल है वे ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहता सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संग। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जो पांच तरह का जो भक्ति का अंग है क्या है, एक तो साधु संग है, उसके बाद में नाम संकीर्तन, उसके बाद में भागवत श्रवण, उसके बाद में श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, और ये क्या रह गया मथुरावास। कहते ये जितना है, है? कहते रूप गोस्वामी कहते हैं अगर ये पांच अंग में कोई एक अंग को अगर हमने निष्कपट रूप में अगर थोड़ी सी करे ना कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संग, थोड़ी सी अगर जैसे नाम संकीर्तन अगर हृदय से श्रद्धा पूर्वक अगर थोड़ी सी कर दिया, हरि कथा अगर सुना, ब्रजधाम में अगर वास किया है, ठाकुर को जैसे पूजा सेवा हम ठाकुर कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रभु जी क्या नाम प्रभु जी का तुम्हारा मनमोहन दास, हाँ जैसे कर रहे हैं, अगर कोई हृदय से ठाकुर को सेवा कर रहे हैं थोड़ी सी अगर श्रद्धा पूर्वक कर देना, शास्त्र कहता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर कहते लेकिन करनी कैसे चाहिए, कहते ये अभिनय नहीं होनी चाहिए, अभिनय होनी चाहिए, सचमुच से ये हृदय से ही ये सेवा होनी चाहिए, तभी क्या होगा अगर थोड़ी सी कोई निष्कपट रूप में करे तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा अभिलाष को अगर लेकर कर रहे हैं, हाँ इसलिए हम कर रहे हैं हमको ये प्राप्ति होगी, अगर ये हम करेंगे तो अपना है अपना ये प्राप्ति होगी, अपना इच्छा पूर्ति करते अगर कोई कर रहा है तो नहीं, उसको द्वारा भगवान को हम ठग नहीं सकते, ठाकुर को हम ठग नहीं सकते है, उनको हम ठग नहीं सकते हैं। कहते भैया अभिनय करने से मंगल नहीं होगा, यदि आत्मस्वाम पर ना करिया यही सकल कार्य अनुकरण करा जाए तबे अभिनय मात्र है वे। यहाँ पर कहते सब काम कैसे करनी चाहिए, पहले आत्मसमर्पण कर, कहते ना इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने। जब प्रहलाद महाराज को पिताजी ने पूछा बताओ तुमने गुरुकुल में जाकर क्या पढ़े, गुरुकुल में जाकर तुमने क्या उत्तम विद्या को पढ़े, बताओ उत्तम विद्या क्या, तो प्रहलाद सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक विद्या नहीं मैंने नौ नौ विद्या पढ़े, एक विद्या नहीं। फिर उन्होंने बोले है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतन लक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्म मन्य दितम। पिताजी ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, पहले गुरु वैष्णव और भगवान के चरण में समर्पित हो जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना सारे काम करके करने के बाद ठाकुर जी हमने जो कुछ किया है ना
इसका फल मैं आपको प्रदान करता हूँ, है इसको आपको प्रदान करता हूँ। ये कर्म मिश्रा हो गया, तो स्वयं बन गए तुम कर्ता, कर्ता बन करके कूद किया, फिर जा करके तुमने भगवान को समर्पण कर रहे हो, नहीं ये इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? पहले स्वयं समर्पित हो जाओ, है पहले स्वयं समर्पित हो जाओ, बोले ठाकुर जी आज से मैं अपना नहीं रह गया, आपके चरण में गुरु जी के चरण में मैंने समर्पित कर दिया, समर्पित कर लिया, अभी हम जो कुछ करेंगे तेरे लिए ही करेंगे, हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं हम तो अब की बिना पैसा की दासियां हैं, बिना पैसा के दासियां, हम थोड़ी आपसे सेवा करते हैं, अब थोड़ी कहते ठाकुर जी अब की हम सेवा कर रहे हैं इसलिए हमें कोई साड़ी दो, हम कोई बोले कोई क्रीम दो, हैं कोई श्रृंगार दो, ठाकुर गोपियां कहते हम थोड़ी ऐसे बोलते हैं, हम तो तुम्हारे चरण में हैं, कहते अशुल्क दासी का, बिना पैसा के हम तुम्हारी दासी है, बिना पैसा का दासी हम। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए? आत्मसमर्पण नहीं करके ये सकल कार्य अनुकरण करा जाए तभी अभिनय मात्र हो जाएगा, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, इसलिए पहले आत्मसमर्पण होनी चाहिए। कृष्ण इच्छाए अमादर निकट जे सब अर्थादि आसिवे तहा सब भगवत सेवाए लागैया दितवाइवे, कहते भगवत इच्छा से हमारे पास में जो कुछ पैसा आता है उसको क्या करेंगे? उसको भगवान की सेवा में लगा देने पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारे लिए लक्ष्मी कृष्ण का ही लक्ष्मी है, इसलिए पैसा की तभी सार्थकता जब ये पैसा भगवान की सेवा में पैसा लगेगा तभी इसकी सार्थकता है। सेवाए कृपणता बा शैथिल्य करिया पैसा जमाई ले असुविधा होया पड़ीवे, कहते अगर कोई इस पैसा को केवल अपना जमा करता है, अपना नाम पर फिक्स डिपोजिट करता है, जमा करता है, लेकिन वो पैसा को भगवत सेवा में नहीं लगाता है, क्या होगा? फिर कहते क्या होगा? बोले कृपणता बा शैथिल्य आ करके क्या होगा? फिर जीवन में फिर दुख कष्ट आएगा, है जीवन में फिर दुख कष्ट आएगा। इसलिए पैसा को क्या करनी चाहिए? पैसा भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। कहते आमा के अनेक मठ मंदिर एकटा पाका बंदोबस्त करते बोले किंतु आमी ताहा किछु करिवो ना, यदि प्रकृत सेवन मुख प्राण थाके प्रकृत शरणागति थाके तबे भगवत कृपाए ठाकुर सेवा सुष्ठु भावे चलिया जाइवे एवं निर्घीव भावे महापुरुषता प्रचार होवे रत्वा सब जहन्ना में जाओ। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं आमा के अनेक अनेक मठ मंदिर एकटा पाका बंदोबस्त करते बोले, कोई कोई व्यक्ति हमें कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोले प्रभुपाद हमें किसी मंदिर में ना कोई एक फीस जगह पर हमको दे दो, पक्का कोई बंदोबस्त कर दो हमारे लिए, हैं कोई एक ठीक जगह पर हमें कोई चीज बैठा दो जैसे हमको लगे ये जगह हमारी है, हैं हमारी। किंतु आमी तहा करीब ना, प्रभुपाद कहते नहीं हम वो काम को नहीं करेंगे। बोले क्यों? यदि प्रकृत सेवन मुख प्राण थाके, अगर तुम्हारी हृदय में सचमुच से सेवा करने का प्रवृत्ति तुम्हारी हृदय में है, हैं तो प्रकृत शरणागति थाके, नहीं हम भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में हम शरणागति है, हमारे हमारा बोल करके जगत में कुछ भी नहीं, सब कुछ ठाकुर का, हम ठाकुर का चरण में शरणागत, जैसे बच्चा जैसे माँ की पिताजी के चरण में शरणागत है, पिता माता क्या करते हैं? संपूर्ण उसको लाल लपालन करते हैं, जानते हैं ये हमारी शरणागत है। अगर हम भगवान के चरण में सचमुच से शरणागत होंगे तो कभी ये विश्वास होगा भगवान हमको जरूर रक्षा करेंगे, हैं भगवान जरूर हमें भरण पोषण, ठाकुर जी हमें जरूर भरण पोषण करेंगे। हाँ प्रकृत शरण तबे भगवत कृपाए ठाकुर सेवा सुष्ठु भावे चलिया जाए, हैं क्या होगा? कहते भगवान का कृपा से ठाकुर को जो सेवा है ना बहुत अच्छे तरह से चलेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा एवं निर्भीक भावे महाप्रभु कथा प्रचार है वे, फिर क्या होगा? निर्भीक रूप में महाप्रभु का वाणी भी प्रचार प्रसार होगा, न तो सब जहन्नम में जाओ। प्रभुपाद
चार मतलब नरक, हाँ सबके सब नरक में जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान के ऊपर में अपना विश्वास रखो, ठाकुर के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं शरणागति है, और जिसको भगवान जा के राखे साइया मार सकना कोई, जिसको भगवान रखा करके हम उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते निष्कपट हो जाओ, नष्कट होकर कर तो भगवान किसी चीज की कमी कभी नहीं रखेंगे। जो कि चिट्ठी से लेकर के हाथी को पालना करते हैं, क्या उनको भक्ति करने वाले कभी भूखा रहेगा? नहीं रहेगा भूखा, कभी भूखा नहीं रहेगा कभी भूखा। इसलिए स्व परम मंगल जन्य हमारे तीव्र दृष्टि देवा दरकार। कहते स्व परम परम पर परम मंगल जन्य हमारे तीव्र दृष्टि देवा दरकार। इसलिए कभी प्रभुपाद कहते हमारा तीव्र दृष्टि कहाँ देनी चाहिए है? कहते अपना कल्याण कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, कहते इसी के लिए हमें तीव्र दृष्टि देने का जरूरत है। हमारा जगत बेसी दिन था वो ना है, हम लोग जगत में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। देखो कोरोना आया, कितने लोग कहाँ चले, किसको पता था इतने कम उम्र में हम शरीर ही छोड़ देंगे, किसको पता ही नहीं था है। इसलिए हरि कीर्तन और हरि सेवा करते करते हमारे देहपात हो, जीवन सार्थकता हो। जीवन सार्थक कैसे, अगर हरि कीर्तन करते करते हरि सेवा करते करते अगर हमारी ये शरीर अगर पतन हो जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा किंतु जगते काट पाथर मिस्त्री हैते आसी नाई, हमारा श्री चैतन्य देवर बाणी रिपिय मात्र। प्रभुपाद कहते हैं जगत में काट पत्थर का कोई मिस्त्री बनने के लिए हम जगत में नहीं आए हैं, हम तो महाप्रभु का के पियन है, उनका वाणी को जगत में लेकर के आए, जगत में प्रचार प्रसार करते हुए जगत से हम चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जितना दूर हो सके क्या करनी चाहिए, निष्कपट होकर के शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करो, भजन करो, और सब कुछ करने वाले कराने वाले कौन है, ठाकुर जी है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ठाकुर को सेवा को स्वयं करनी चाहिए, नवकरण को दे करके ठाकुर का सेवा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरि हरि।